मैन के कान पे लगे हैं कीड़े, पूरी तरह वायरस ने जकड़ लिया है इसके पूरे ही ईयर को। बड़े बड़े कीड़े को निकाला, ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए बड़ा वाला चाकू हमारा छोटे छोटे चींटी वाले कीड़े को निकाला। सिकंजा वाला चाकू हमारा पतले वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया है। और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं औसम तरीके से। क्रोमा वाला चाकू हमारा देखिए गोल गोल वाले कीड़े को भी निकाल दिया है। इसके कान पे लग गए हैं घिनौने भी कीड़े, उसको भी हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। छोटे छोटे कीड़े वाले बच्चे भी निकल चुके हैं। मस्तिष्क वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हुए। रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े भी सेफ तरीके से कट चुके हैं। आगे हमारा दवाई इसके कान पे लगेगा और देखिए इसके कान पे दवाई लग चुकी है और आ जाएगा हमारा कॉटमोल रुई, जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। और टाइमर चलना हमारा चालू हो गया है। टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। तो आप लोग देख सकते हो इसके पूरे ही कान का हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है सेफ तरीके से। बहुत ही सारे कीड़े और ये तो ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा था जो कि सेफ तरीके से कट कर रिमूव हो चुका है। और ये होल वाला ट्राइफोफोबिया है जो कि अभी सेफ तरीके से कट कर रिमूव हो चुका है। और देखिए छोटे छोटे बैंगोर्स हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये भी काफी किफायती वाले मैंगोर्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हुए। और ये घिनौने टाइप के लिचलिची वाले कीड़े थे जो कि हमारे चाकू ने सेफ तरीके से निकाला। और ये ब्लैक वाले कीड़े भी देखिए सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में।
और ये बड़ा वाला ट्राइफोफोबिया ये भी निकल चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी ट्राइफोफोबिया है जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हुआ। और ये हमारा बेलचा वाला कटर था जो कि बहुत ही औसम तरीके से काटा कीड़े को। और ये हमारा गोल्डन वाला चाकू फंगल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये बाल वाले कीड़े हैं जो इसको भी हमारे छोटे वाले चाकू ने निकाला। और देखिए हमारे क्रम वाले चाकू ने बहुत ही किफायती से निकाला कीड़े को। और ये कुछ ब्लैक वाले ट्राइफोफोबिया थे जो कि भी निकल चुके। हम लोग अब दवा लगाते थे। देखिए साफ सीधी बात, हम लोग दवा लगा दिए हैं। अब आ गया हमारा कॉटन मूल रुई और ये पूरा टाइमर चला गया बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए टाइमर भी चलने लगा है और टाइमर पूरा का पूरा खत्म हो चुका। माउथ पे लगे हैं कीड़े। और हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से डीप क्लीन करेगा पूरे ही माउथ को। और ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को हमारे हैंड वाले चाकू ने रिमूव किया। और ये ब्लैक टाइप के ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि भी रिमूव हो चुके हैं। और ये भी खतरनाक वाले ट्राइफोफोबिया है जो कि रिमूव हुए। इसके माउथ को हम लोगों को पूरा डीप क्लीन करना है वो भी ट्रीटमेंट के साथ। तो हमारा रेड वाला चाकू आया जो कि ट्राइफोफोबिया होल वाले कीड़े को रिमूव किया। और ये भी ब्लैक वाले ट्राइफोफोबिया हैं जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। कुछ ट्राइफोफोबिया वाले ये भी कीड़े हैं जो कि सिल्वर वाले चाकू ने रिमूव किया। और ये फंगल वाले कीड़े हैं जो कि हमारे गोल्डन वाले चाकू ने रिमूव किया। और ये हमारा क्रोमा वाला चाकू था जो कि मैंगोर्स वाले कीड़े को रिमूव किया। और ये पूरे के पूरे मैंगोर्स वाले कीड़े ही हैं जो कि रिमूव हो चुके हैं। और ये होल वाले ट्राइफोफोबिया है जो कि रिमूव हो चुके हैं। आगे बेलचा वाला कटर। और ये बड़ी वाली ट्राइफोफोबिया को रिमूव कर चुका है। हमारा ग्रीन वाला चाकू था जो कि रेड वाले कीड़े को रिमूव कर दिया एक ही बार में।
और ये हमारा पतला चाकू था, चीटियों को रिमूव कर चुका है। हम लोग अब कॉटन बोल्ट से इसे साफ कर देंगे। तो हमारा टाइमर भी चलने लगा है पूरी तरह। तो टाइमर चल, कीड़े और ये फंगल वाले कीड़े थे जो कि हमारे चाकू ने सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये फिर चींटियों के घाव थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये मैंगोस वाले कीड़े भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं। और ये घिनौने टाइप के कीड़े भी रिमूव हुए। और ये हमारा क्रोमो वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ब्लैक वाले कीड़े को निकाला काट के। और ये हमारा हैंड वाला चाकू होल वाले ट्राइफोफोबिया को काट के रिमूव किया। और ये चींटियों का गवद भी कट के निकल चुका है पूरी तरह। और ये भी कीड़े ही थे जो कि रिमूव हो चुके हैं। और ये छोटे छोटे मैंगोस वाले कीड़े थे। और ये हेयर वाले कीड़े थे जो कि अभी रिमूव हो चुके हैं। और ये बिगिनर टाइप के कीड़े थे। और ये ट्राइफोफोबिया वाले पूरी तरह निकल चुके हैं। और ये भी मैंगोस के बाद भी पूरी तरह निकल गए। आगे हमारा दवा, और इसके पूरे ही माउथ पे लगा देंगे हम दवा। तो देखिए दवाई लग चुकी है पूरे ही माउथ पे इसके। और आगे हमारा कॉटन बोल्ट रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चला दे रहे हैं। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो साइड पे लगे हैं कीड़े। आज इसके बैक साइड को हम लोग बहुत ही डीप क्लीन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे चाकू के माध्यम से। तो देखिए हमारा हैंड वाला चाकू ब्लैक वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और देखिए गिनर टाइप का कीड़ा था जो कि ये भी रिमूव हो चुका है सेफ तरीके से। और देखिए ये भी ब्लैक वाला कीड़ा था काफी ही बेहद खतरनाक जो कि रिमूव हो चुका है। और देखिए कीड़े वाले घवत को हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और देखिए होल वाले कीड़े को भी हम लोगों ने बहुत ही औसम तरीके से रिमूव कर दिया है पूरी तरह। हमारा बड़ा वाला चाकू चींटियों वाले कीड़े को रिमूव कर दिया है पूरी तरह। Oh,
ये पतला वाला हमारा सिकंजा वाला चाकू है जो कि ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को रिमूव कर दिया है। फिंगर्स वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हुए। और ये हमारा ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा था जो कि हमारे क्रोमो वाले चाकू ने रिमूव किया। और ये काफी ज्यादा घिनौने टाइप के कीड़े हमारे बड़े वाले चाकू ने रिमूव कर दिया है। और ये काफी ज्यादा घिनौने टाइप के कीड़े मुंह वाले कीड़े थे रिमूव हुए। खोल वाला कीड़ा भी पतले वाले चाकू से रिमूव हुआ। आगे हमारा दवा, तो देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है। आ जाएगा हमारा कॉटन बुड रोई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। बहुत ही सेफ तरीके से हमारा टाइमर भी चलने लगा है। टाइमर चलने के बाद हम लोग इसका डीप क्लीन करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। तो आप लोग मिड ASMR जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसके पूरे हेड पे लग गए हैं कीड़े, हमारा चाकू से रिमूव करेंगे। और देखिए हमारे चाकू ने बड़े वाले कीड़े के उखावत को रिमूव किया। और देखिए हमारे हैंड वाले चाकू ने भी बहुत ही औसम तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया। और ये ब्लैक वाला कीड़ा भी रिमूव होके गिर चुका है पूरी तरह। और देखिए हमारा पतला वाला चाकू मुंह वाले कीड़े को एक ही बार भी निकाला। और देखिए रेड वाला कीड़ा भी सेफ तरीके से रिमूव हुआ। और हमारा गोल्डन वाला चाकू भी होल वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है पूरी तरह। और देखिए ब्लैक वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हुए एक ही बार में। और देखिए बहुत ही औसम तरीके से हमारा चाकू काटता हुआ जा रहा है कीड़े को। और ये कीड़े के घावत थे जो कि सेफ तरीके से सिकंजा वाला चाकू रिमूव किया। और देखिए हमारा ग्रेट वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया गया पतला वाला चाकू। तो देखिए छोटे छोटे पीले वाले कीड़े को निकाल दिया है। हम लोग दवा लगाएंगे इसके पूरे हेड पे। तो देखिए पूरे हेड पे दवाई हम लोगों ने लगा दिया है। और आ जाएगा हमारा कॉटन बुल रोई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से। हमारा टाइमर भी चलने लगा। इसका डीप क्लीन हम लोग करेंगे पूरे हेड का।